नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्पना ऑल इन वन पर। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रही हूँ शुगर की बीमारी के बारे में। शुगर की बीमारी में क्या घरेलू उपचार करके आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। शुगर के कुछ ऐसे उपचार हैं जो आप घर में करके एकदम साइड इफ़ेक्ट से दूर रहकर और उस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। साथ ही अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपने शुगर लेवल को तो आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना टाइम में ये शुगर की बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैल रही है। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है उनको कोरोना से बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इस टाइम पर जो लोग शुगर पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप घर पे अपना इलाज कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, करेले का जो जूस होता है वो आप सुबह खाली पेट पीकर अपने शुगर की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा करेले को आप अपने खाने में भी शामिल कर सकते हैं। ये आपके शुगर को बहुत ही जल्दी कंट्रोल भी करता है। उसके बाद बात करेंगे आंवला की जूस के बारे में। आंवला का जूस शुगर को कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इसके लिए आपको 2 से 3 आंवला का बीज निकाल कर उसका पेस्ट बना लेना चाहिए और उसको कपड़े से निचोड़ कर, सूती कपड़े में उस पेस्ट को डाल के निचोड़ करके रस को निकाल कर रोज़ाना उसका आपको सेवन करना चाहिए। आप चाहें तो इसको करेले के जूस के साथ मिक्स कर भी पी सकते हैं। उसके बाद करें बात तो मेथी के दानों की। मेथी के दाने शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके लिए आपको मेथी दाने को रात भर भिगोकर पानी में रख लेना चाहिए। सुबह खाली पेट चबा चबा कर आप उस दानों को आपको खाना चाहिए। उसके बाद बात करें दालचीनी के फ़ायदों के बारे में, तो दालचीनी शुगर लेवल को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने में कारगर साबित होती है। रोज़ाना 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने से आपका शुगर लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। इसके बाद बात करें जामुन की। बहुत लोग जानते हैं जामुन का खाने के बाद जो बीज हो जाते हैं उन बीज को सुखा कर पीस कर पाउडर बना लिया जाता है, जिसको आप रोज़ाना लेंगे तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। ये घरेलू जो नुस्खा है जामुन का, ये बहुत ही पुराना है और बहुत लोग इसको अपने लिए यूज़ भी करते हैं। लास्ट में मैं बात करूँगी ग्रीन टी आप कैसे शुगर लेवल को कम करती है। ग्रीन टी में पॉलीफिनाल भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो को शेयर करने से बहुत से लोगों की हेल्प कर सकते हैं शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जुड़े रहें कल्पना ऑल इन वन के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।